हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग लेक्चर को डील करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एटीसी को इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, बैंक रेट, एटीसी को हम लोग इसमें डील करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे टैक्स। टैक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एटीसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यहाँ ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को आम भाषा में हम लोग महंगाई कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिपेंड करता है, ये करता है डिमांड एंड सप्लाई पर, ठीक है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि जब महंगाई बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है कि पैसा का जो वैल्यू है, रुपये का जो वैल्यू है, वो कम हो जाता है, ठीक है, और गुड्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए कि इसको हम लोग डिटेल से इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बजट, ठीक है। बजट में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लानिंग, ठीक है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस, ठीक है। तो आज हम लोग ब्रीफली यहाँ पे इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ नोट डाउन किया है, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अर्थशास्त्र साइंस है, और कुछ कहते हैं कि साइंस नहीं है। जो कहते हैं कि साइंस नहीं है, वो कारण देते हैं कि जो अर्थशास्त्र का प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है, ये सही नहीं होता है, लेकिन साइंस का प्रिडिक्शन सही होता है। साइंस मैंने कारण एंड परिणाम, ये दोनों को बता देता है और इसका प्रिडिक्शन सही होता है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है, जनसंख्या, बेरोजगारी को डील करता है, लेकिन इसकी प्रिडिक्शन जो है सही नहीं होती है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होता। जैसे कि अभी पैंडेमिक की वजह से, पैंडेमिक है जो कोरोना वायरस की वजह से, तो ये भी कौन सोचा था कि इतना जो है मंदी हमारे वर्ल्ड में आएगा, विश्व में, पूरा विश्व परेशान है कोविड की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो कुछ बैकग्राउंड मैंने इकोनॉमी के लिखे हैं, उसके बारे में डील कर लेते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमी जो कहा जाता है, वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है, एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। और मानव को इन्होंने दो भागों में बांटा, ठीक है, एक आर्थिक मानव, एक गैर आर्थिक मानव। इन्होंने क्या किया था, धन को पहले स्थान पर रखा था, ठीक है, धन जो है, धन को इन्होंने पहले स्थान पर और मानव को दूसरे स्थान पर रखा था। उसके बाद आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, 1860 में एक बुक लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें वो क्या करते हैं, जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था, उस डेफिनेशन को ये रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं, अर्थशास्त्र का ये परिभाषा देते हैं कि अर्थशास्त्र समाज कल्याण का विज्ञान है, ठीक है, और हम मानव जो है हमारे कल्याण के लिए धन का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, धन को जो है, धन को ये मानव को पहले स्थान पर देते हैं और धन को सेकंड में ले जाते हैं, ठीक है। और मानव क्रिया को दो भागों में बांट देते हैं, एक बांटते हैं आर्थिक क्रिया और एक गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक क्रिया का डेफिनेशन ये देते हैं, कहते हैं कि जिस काम को करने से हमें धन मिलता है, वो आर्थिक क्रिया है, और जो काम करने से धन नहीं मिलता है, वो गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे सेवाएं, आप किसी का सेवा कर दिए, मम्मी सेवा कर रही है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, इसका पूरा नाम रॉयल रॉबिन्स है, 1932 इसमें एक बुक लिखते हैं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, एक बुक लिखते हैं। और ये कहते हैं कि अल्फ्रेड का जो डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन को ये रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? कहते हैं, रॉबिन्स कहते हैं कि जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था, वही डेफिनेशन को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। फिर सिर्फ उन्होंने क्या किया कि जो धन था, धन के जगह पे मानव कर दिया और मानव की जगह पे धन कर दिया, यानी एक्सचेंज कर दिया। उन्होंने कहा था कि धन का विज्ञान है और इन्होंने मानव को ला दिया पहले, ठीक है। तो इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा, अपना एक परिभाषा दिया, कहा कि अर्थशास्त्र चुनाव चयन का विज्ञान है, सिलेक्शन का विज्ञान है, ठीक है। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने दिए, आवश्यकताएं अनंत, मतलब हमारी जो वांट्स और नीड्स हैं ये अनलिमिटेड है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा, साधन सीमित है, हमारे पास जो सोर्स है वो सीमित है। उसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, यानी हमारे पास जो साधन है उसका हम वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, उसमें चार ऑप्शन रहते हैं, उसमें चार में जो करेक्ट आंसर है उसको आप सेलेक्ट करते हैं और आंसर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको चुनना पड़ता है कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया, चुनाव, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूँ कि आप कैसे किसी चीज को चुनाव करते हैं। मान लीजिए आपकी एग्जाम है, आप आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंचे हैं, आपके पास 20 रुपीज है, आपको पता चलता है कि आप तो कलम लाए ही नहीं, तो एग्जाम देने के लिए कलम बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले आप कलम खरीदेंगे और आपको लग रहा है कि मुझे भूख भी लगी है, तो आप कलम खरीदेंगे या फिर आप खाना खाएंगे। अगर खाना खाएंगे तो 20 रुपया आपका खाना में चला जाएगा, कलम नहीं खरीद पाइएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, ऑब्वियसली क्या करेंगे, आप कलम खरीदेंगे और एग्जाम देंगे। खाना बाद में भी खाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम का समय अगर बीत जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग इसको चुनाव करते हैं। इसीलिए जो रॉबिन्स है, इन्होंने कहा जो अर्थशास्त्र चुनाव या चयन का विज्ञान है। तो आज हम लोगों ने इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आने वाली जो लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग डिटेल से हर चैप्टर को डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।